हेलो, गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों को। तो आज मैं कर रहा हूँ जोधपुर से मुंबई की हवाई यात्रा। अगर आप भी पहली हवाई यात्रा कर रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है दोस्तों। तो अब मैं बाइक से निकल जाता हूँ सीधा एयरपोर्ट की तरफ, और फिर एयरपोर्ट में मेरे को लगभग एक दो बार चेकिंग करने के बाद फिर अंदर की तरफ एंट्री देते हैं, और एक अपने साथ में टिकट और टिकट के साथ में आधार कार्ड भी होना ज़रूरी है। उसके बाद में हम बोर्डिंग पास लेंगे जो कि अंदर मिलेगा। उसके बाद में फिर अंदर जाएंगे तो एक बार चेकिंग होगी, और अपने बेल्ट, फोन, पर्स, ये सारी चीज़ें अलग से चेकिंग होगी उनकी। और फिर अपने साथ में 10-15 किलो तक का जो बैग है वो साथ लेके जा सकते हैं। और जैसे ही हम अंदर एंट्री करते हैं ऐसे कुछ हमें इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि आपकी फ़्लाइट इतने इतने बजे हैं, इतने इतने टाइम है। अगर लेट होगी तो भी हमें बता दिया जाएगा, और फ़्लाइट के टाइम में अगर मान लो एक दो पीछे रह जाते हैं तो उनको अलग से नाम लेकर उन्हें बुलाया भी जाता है। तो ऐसा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपकी फ़्लाइट निकल जाएगी। तो ऐसे आईडी प्रूफ चेक करके फिर यहाँ से हमें फ़्लाइट के लिए भेजा जाता है। तो सभी को ऐसे लाइन में एक हाथ में बोर्डिंग पास और साथ में एक आईडी प्रूफ दोनों चेक करके फिर आगे भेजेंगे। और अभी मैं यात्रा कर रहा हूँ इंडिगो से, और यहाँ से आपको बस लेने आएगी। अगर फ़्लाइट पास में है तो फिर बस नहीं, सीधा डायरेक्ट के आपको भेज देंगे। तो अभी हमारी फ़्लाइट थोड़ी दूर है तो हमें यहाँ पे बस के द्वारा फ़्लाइट के पास ले जाया जा रहा है। तो अब हम जा रहे हैं बस में। और दोस्तों ये है जोधपुर का एयरपोर्ट। और ये हूँ मैं, यात्रा करने के लिए रेडी हूँ। और दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा फ्लाइट नहीं थी, बहुत कम फ्लाइट निकलती है यहाँ से। और दोस्तों ये है हमारी फ़्लाइट जो कि जोधपुर से मुंबई की तरफ जा रही है। और अब हम बस से नीचे उतर चुके हैं और हम जाएंगे अब फ्लाइट के अंदर। यहाँ पे एक बार और चेकिंग होगी हमारे आईडी प्रूफ के साथ में, बोर्डिंग पास के साथ में। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे चेकिंग चल रही है और भेज रहे आगे। मुझे भी एक भैया मिल गए मेरे जैसे, जो भी मुझे लग रहा है मेरी तरह फर्स्ट बार हवाई यात्रा कर रहे हैं। अभी हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अंदर की तरफ एंट्री लेंगे। और ये है एंट्री यहाँ से। और जैसे ही दोस्तों हम अंदर एंट्री करते हैं तो एयर होस्टेस हमारे स्वागत के लिए सामने खड़ी है और हमारा वेलकम करती है। हालांकि हमारा नहीं, सबका करती है दोस्तों, हम कोई ख़ास नहीं है उनके लिए। तो दोस्तों ये है फ्लाइट के अंदर का नज़ारा। तीन सीट इस तरफ होती है और तीन सीट लेफ्ट और राइट, दोनों तरफ तीन तीन होती है। और यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए होते हैं जिनकी जानकारी आपको एयर होस्टेस फ्लाइट के अंदर देती है कि इनका यूज़ कैसे होता है, कैसे नहीं होता। और दोस्तों यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट दे रखा है जिसमें आप देख सकते हो आपको कुछ ऑर्डर करवाना है या फिर कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी है कि किसका कैसे यूज़ करें, कैसे सीट बेल्ट वगैरह जो भी है, तो उसके लिए भी यहाँ पे डायरी दे रखी है, मैं आपको बताता हूँ। तो ये है और इस पे सारी जानकारी दे रखी है ये कि किस चीज़ का कैसे यूज़ करना है। ये सारी आपातकालीन यूजेज हैं जो आप देख सकते हो। और एयर होस्टेस जैसे जैसे सारी जानकारी दे रही थी मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था दोस्तों, क्योंकि मेरी ये पहली हवाई यात्रा थी और मैं इस यात्रा को मंगलमय करना चाहता था। और मैं आंतरराष्ट्रीय रूप से संबोधन हम इंडिया और अंग्रेजी बोल सकते हैं।
हम आपकी सुरक्षा से लेकर स्वास्थ्य एकता की देखभाल करेंगे। आपकी सेवा में हम उपस्थित हैं। हमें बेहद खुशी है कि आपको हम हमारे देश के साथ जोड़ सके। प्रस्तुत है आपके लिए इंडिया बाय इंडिगो। धन्यवाद। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, नियामक कार्रवाई हो सकती है। आपके लिए ब्रेल में एक सुरक्षा सूचना कार्ड और संचार गाइड उपलब्ध है। आपातकालीन स्थिति में इस विमान में स्लाइड या स्लाइड ड्राफ्ट्स लगे हुए हैं। हमारे सुरक्षा निर्देश पत्र में इनका स्थान और उपयोग के निर्देश हैं। योर वेलबीइंग इज आवर टॉप प्रायोरिटी एंड वी रिक्वेस्ट यू टू पे। और दोस्तों, यहाँ पर आप धूम्रपान भी नहीं कर सकते हैं और अपनी कुर्सी की पेटी बांध रखिए। रक्षा जैकेट आपकी कुर्सी के नीचे है, तो मतलब सारी जानकारी दे रखी है। तो अभी प्लेन को हवाई पट्टी पे ले जा रहे हैं। अभी उड़ान अभी नहीं भर रहा है, उड़ान बाद में भरेगा। अभी हवाई पट्टी पे लेके जा रहे हैं। हाँ तो दोस्तों, ये है हवाई पट्टी। अब यहाँ से हम उड़ान भरने के लिए रेडी हो जाएंगे। और अभी फ्लाइट उड़ान भरने के लिए रेडी है और आप देखेंगे कि अब उड़ान भी होगी। और अब हमने उड़ान भर ली है। ऊपर से नज़ारा कुछ देखने लायक होता है दोस्तों। काफ़ी सारी चीज़ें छोटी छोटी सी नज़र आती है। पहली बार हवाई यात्रा करोगे तो बहुत ही मज़ा आने वाला है आप सभी को। और दोस्तों, मेरी विंडो सीट बुक करवाई हुई थी क्योंकि मैं इस सफ़र का पूरा आनंद लेने वाला था, इसलिए। तो काफ़ी अच्छा नज़ारा था दोस्तों। बादलों के बीच में हम हवा में हैं। अगर दोस्तों आप कुछ खाने को ऑर्डर करो तो इस पे रख के आप खाना भी खा सकते हो। ये इसको ऐसे कर सकते हैं। हालांकि लोग इसका सोने के लिए भी यूज़ लेते हैं, सो रहे हैं इसके ऊपर हाथ रख के, लेकिन अपन को सोना नहीं है, अपन को Thank you for choosing Indigo. Wishing all a pleasant stay in the city of dreams. Captain, group number 4 arrival, please. Landing in the next 35 minutes. So subject to air traffic. Thank you. हाँ तो दोस्तों, मेरे पास वाली भी सीट खाली थी, तो मैंने दो दो सीटों का आनंद लिया। तो काफ़ी इन्जॉय कर रहा था मैं इस मोमेंट को। और इस तरह हम पहुंच चुके हैं मुंबई के नज़दीक। हाँ तो दोस्तों, ये है मुंबई, जिसे सिटी ऑफ ट्रेन्स भी कहते हैं। देख लो, काफ़ी अच्छा नज़ारा है सिटी का। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. और इसी तरह से जोधपुर से मुंबई तक की लंबी यात्रा तय करने के बाद हम हवाई पट्टी पे लैंड हो जाते हैं दोस्तों। तो ये थी हमारी यात्रा। और फिर हम फ्लाइट से उतरने के बाद बाहर की तरफ निकलते हैं। और ये है मुंबई एयरपोर्ट दोस्तों। तो मैं भी निकल गया अभी एयरपोर्ट की बाहर की तरफ। और दोस्तों, अगर ये आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों।